नमस्कार, मेरा नाम रजत रॉय है। फिर से स्वागत है आपका इस ऑनलाइन एक्टिंग के सेशन में। हालांकि कुछ दिन बाद हमारा ऑफलाइन क्लास शुरू होने वाला है 10th में से। आज हम बात करेंगे विश्वास के ऊपर में, बिलीव, हाउ टू बिलीव योरसेल्फ। हमको खुद के ऊपर विश्वास क्यों नहीं होता है, उसके कई सारे कारण हैं। सबसे पहला कारण है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं या करने वाले हैं उसके ऊपर प्रॉपर नॉलेज ना हो। आप उस चीज़ के प्रति नॉलेज जितना ज़्यादा आप इकट्ठा करेंगे उतना ज़्यादा आपको अंदर से बिलीव होगा, ठीक है। दूसरा, ये हमेशा ध्यान में रखिए कि ये यूनिवर्स आपको हमेशा सपोर्ट करता है। ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जिससे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस बिल्टअप हो कि आप अकेले नहीं हैं। मैंने पहले भी कहा था कि 1400 रुपये का ऑक्सीजन आपको हर दिन ये पेड़ों से मिलता है, और 1400 रुपये का ऑक्सीजन अगर अप्रॉक्सीमेट अगर कैलकुलेट किया जाए आपकी ज़िंदगी में, तो आप सोच नहीं सकते कितने अमाउंट का ऑक्सीजन इस यूनिवर्सल से आपको सपोर्ट के तौर से मिलता है, ठीक है। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का रीज़न है जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये जो एक सुप्रीम पावर ऐसा जो भी है, मुझे पता नहीं क्या है, लेकिन वो हमेशा आपको किसी ना किसी रूप में सपोर्ट करता है। आपके पास कुछ भी नहीं हो लेकिन इतने सालों से आपको आप चलते हुए आ रहे हैं, हर दिन प्रॉब्लम आया होगा या खुशी आई होगी, दुख आया होगा, लेकिन आपकी ज़िंदगी हमेशा चलती ही जा रही है। आप रोज़ खाना खा पा रहे हो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपने खाना ही ना खाया हो। इसका मतलब चाहे आप किसी भी कंडीशन में हो लेकिन आप अपने आप को बिल्कुल मेंटेन करके रखते हो। ये बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस का रीज़न है, क्योंकि इसका मतलब है किसी ना किसी रूप में ये यूनिवर्सल पावर आपके साथ में खड़ा है, ठीक है। ये सारी चीज़ों को अगर आप सोचेंगे, इसके बाद तो कई सारी चीज़ें हैं। हमारी दो आँखें हैं जो अच्छे आपको कई दुनिया आप देखने का मौका मिलता है, आपकी आँखों की वजह से आपके हाथ है, पैर है, जो भी बॉडी के पार्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपके लिए ग्रैटिट्यूड के तौर पर ये सुप्रीम पावर की तरफ से मिला हुआ है। कई लोग ऐसे लोग भी हैं जिनको ये पूरी तरह से ये नहीं मिलता है, या अनफॉर्चुनेटली उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हादसा होता है जिसकी वजह से वो कई सारी चीज़ें अपने बॉडी के पार्ट्स को नुकसान करते हैं। तो आप समझ लीजिए, फिर भी वो कई लोग हैं जो उसके बावजूद भी दुनिया में बहुत नाम कमाते हैं अपने विल पावर से, अपने अंदर के जज्बे से। तो हमेशा ध्यान में रखिए कि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ है, आप अपने आप को विश्वास न करने की आदत से आपको छुटकारा लेना है। क्योंकि विश्वास अगर आप खुद को नहीं करते हैं तो विश्वास आप किसी को नहीं करेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखिए। और विश्वास अगर नहीं होता है, इसका मतलब ही है कि आपके पास जो है उसके लिए आप खुश नहीं हैं। और मैंने कहा है पहले भी कि अगर आप जो चीज़ हैं उसके प्रति आप अगर ग्रैटिट्यूड नहीं देते हैं तो नई चीज़ की संभावना ही नहीं है लाइफ में, ये ध्यान में रखिए। आपके पास जो भी है उसके प्रति ग्रैटिट्यूड दीजिए, उसको प्यार दीजिए और उसके लिए शुक्रगुजार हो जाइए, जिससे आपको अपने ऊपर एक विश्वास आएगा। जब भी आप अपने ऊपर विश्वास करते हैं तो आप हर चीज़ के ऊपर विश्वास करते हैं जो सच्चाई से आपकी ज़िंदगी में आता है, ठीक है। क्योंकि कल के डेट में आप एक्टिंग करने वाले हो, एक्टिंग सीखने वाले हो, एक्टिंग में जाने वाले हो, आप समझ लीजिए कि अगर आपके अंदर विश्वास नहीं रहा तो उस कैरेक्टर को कैसे विश्वास करेंगे जो एक राइटर ने अपने विजुअलाइजेशन से, अपने थॉट से उसको लिखा हुआ है, कोई दूसरा लिखा है, उस कैरेक्टर को आपको अडेप्ट करने के लिए आपको विश्वास करना बहुत ज़रूरी होगा। उस कैरेक्टर को कि जो भी राइटर ने लिखा है वो बिल्कुल उसी तरह का सोच जिस हिसाब से उस राइटर ने लिखा है, उस तरह से उस कैरेक्टर को आपको डेवलप करना पड़ेगा, और वही आपका बिलीव है। इसलिए एक्टिंग में बिलीव का एक बहुत बड़ा महत्व है। हम कई सारे प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे एक ग्लास ले लेते हैं या कोई भी बॉटल ले लेते हैं, उसको ऐसा विजुअलाइज करते हैं कि वो फूल है ना। हमको विश्वास, बिलीव करने की टेक्निक में काम करना पड़ेगा।
हमारे पास सामने कैमरा रहता है लेकिन हमें ऐसा विश्वास करना पड़ता है कि ये सामने जो है ये एक कैरेक्टर है, क्योंकि मैं अगर आपसे बात कर रहा हूँ या इस तरह का कोई डायलॉग मैं बोलता हूँ तो जो क्लोज शॉट होते हैं, जो अधिकतर शॉट होते हैं, वो कैमरा ओरिएंटेड रहते हैं, कैमरा के लुक ओरिएंटेड रहते हैं, लेफ्ट में राइट में, लॉन्ग शॉट में ठीक है सारे लोग रहते हैं या जैसा जैसा रिकॉर्ड, लेकिन अधिकतर शॉट ऐसे रहते हैं कि आपको कैमरा के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना पड़ता है। ठीक है, तो हमें आज का टॉपिक यही था कि हमको विश्वास करना बहुत जरूरी है और विश्वास की शुरुआत होती है आपसे, आपके खुद से। आंखों को बंद कीजिए और अपने आप को महसूस कीजिए, अपने आप को ग्रेटफुल कहिए कि आपका एग्जिस्टेंस इस दुनिया में है। बाकी तो कितने फैसिलिटी आप लेते हैं जिसके बारे में आप सोचते भी नहीं है। आप ट्रेन बस में चढ़ते हैं, आपके घर में सब्जी आ जाता है, ये इतने आप रोज पानी पीते हैं। आपने सोचा है कभी कि ये सारी चीजें अगर नहीं होता तो क्या होता? आप किसी दूसरे के बारे में किस तरीके से झगड़ा करते हैं, आप सोचिए आपको उठा के चंद्रमा में फेंक दिया जाए, 15 दिन तक छोड़ दिया जाए, एक बात की बात बता रहा हूं, उस समय आपको क्या महसूस होगा? आपका अगर कोई दुश्मन भी आ जाए वहां पर आप गले मिलोगे, क्योंकि आपकी दुनिया में और कोई नहीं है, आप है और कोई जो भी वहां पर। तो आप एक बार सोच के देखिए आपके साथ आस पास जितने लोग हैं वो बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड का एक हिस्सा है, थैंक्स गिविंग का एक हिस्सा है। तो आप उनसे, क्योंकि हम जब किसी से लड़ते हैं, झगड़ते हैं या किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, ये समझ लीजिए कि अधिकतर हम अपने आप को नुकसान करते हैं। ठीक है, वो तो मस्ती करके चला जाएगा लेकिन आप अपने आप को नुकसान करते हैं। और करना किस लिए है? आपको अपनी चीजों से मतलब रखिए, अपना जो करियर है उसमें मतलब रखिए, उसी में बढ़ते रहिए, उसी के ऊपर प्रैक्टिस करते रहिए। एक माचिस के डब्बे को अगर कोई डब्बे को लेकर भी 2 साल बैठ जाओ ना, तो देखना वो माचिस के डब्बे से भी आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो। आप एक छोटा सा गमले में पेड़ को लेके बैठ जाओ, रोज उसको देखो समझो, तो हो सकता है आप उसी से कुछ इन्वेंशन कर सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, हम जब किसी चीज के बारे में पूरी एनर्जी देते हैं तब वो मैनिफेस्ट होना शुरू होता है, कुछ ना कुछ नया होना शुरू होता है। इसी तरह अगर आप एक्टिंग में आना चाहते हैं, कोई भी फील्ड में आना चाहते हैं, उसके बारे में दिन रात आपको सोचो, इतना टाइम ही मत दो कि वो जो आपके अंदर का जो गैप है ना उसमें कोई दूसरा चीज, दूसरा थॉट घुस जाए। क्योंकि जब भी कोई दूसरा थॉट आएगा अंदर, तो ये समझ लो कि वो थॉट फिर अपने आप को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करेगा, उसके वाइब्रेशन क्रिएट हो जाएंगे, तो आपके जो पॉजिटिव वाइब्रेशन और नेगेटिव वाइब्रेशन वो मिक्स होकर कुछ नहीं बनेगा। ठीक है, होता ना एसिड प्लस बेस, उसको जोड़ने से हमें न्यूट्रल मिलता है ना, बिल्कुल इसी तरह का साइंस वाले जो है वो ज्यादा समझे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो माइंड है, ये दुनिया ना पूरा इस तरह की है, एक वॉल्ट है, एक गैप है, एक वैक्यूम है ना, एक बादल के टुकड़े वहीं पर आते हैं जहां पर वैक्यूम है और वहां से फिर बरसात होती है ना। आपका माइंड भी इसी तरह हॉलो है, ये इस तरह का है कि आपका, आपको सोचने का कुछ भी नहीं है तो आपके अंदर निगेटिव थॉट घुस जाएंगे। ठीक है, और थॉट्स जो होता है ना, जो निगेटिव थॉट्स, ये अधिकतर इनबिल्ट होता है क्योंकि हमने बचपन से कई सारी चीजें देखी हुई है। लेकिन पॉजिटिव थॉट या पॉजिटिव अपने आप को तैयार करने के लिए आप उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, उसके बारे में सोचना पड़ेगा। आप अगर आलस रखोगे तो हमेशा आपके अंदर निगेटिव थॉट्स आएंगे। आप थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स के लिए आपको मेहनत करना होता है, आपको सोचना पड़ता है कि नहीं यार आई हैव टू थिंक पॉजिटिव। लेकिन निगेटिव थॉट के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, अपने आप वो घुस जाता है, क्योंकि वो वॉल्ट रहता है, वो गैप रहता है, वो वैक्यूम रहता है उसमें, क्योंकि हमारा माइंड उस तरह से प्रोग्राम अधिकतर रहता है, इसलिए वो निगेटिव चीजें आ जाती है और हम अपने आप को क्रिएट नहीं कर पाते। तो हमेशा ध्यान में रखिए आज के बाद से कि अपने आप को बिलीव करना शुरू कीजिए। आप अपने आप को विश्वास करेंगे तो दूसरों को करेंगे तो फिर आप कैरेक्टर को करेंगे जिस कैरेक्टर में आप जाने वाले हैं। और ध्यान में रखिए, अगर कैरेक्टर को बिलीव करना या उसकी प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो ये तो गारंटी आप एक्टिंग को महसूस ही नहीं कर पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अधिकतर देखोगे कि लोग वहीं पर अटकते हैं, जैसे उसको खुद के ऊपर विश्वास नहीं होता तो वो दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते और उनको एक्टिंग में भी उसका परफॉर्मेंस आपको समझ में आ जाएगा कि वो चीज़ नहीं आ पा रहा, वो फील नहीं कर पा रहे, है ना। तो अधिकतर अभी आप ये समझ लीजिए कि कोई आदमी कोई
बच्चे अगर कोई स्टूडेंट अगर फील नहीं कर पा रहा, इसका मतलब उसको अपने आप पे विश्वास नहीं, अपने आप पे विश्वास कर रहा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, लंबा हो गया वीडियो, नो प्रॉब्लम। थैंक यू, फिर से मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू।